हाय दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल प्रेम बलूर मैथ में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रेम मेहरा 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और जो अपन टेस्ट सीरीज शुरुआत की थी, उसका आज पार्ट नंबर 5 निकालने वाले, जिसमें हम कंप्लीट करवा चुके हैं करीब 38-40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। आज उससे आगे की बात करें। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतने ही अच्छे नंबर आएंगे आपके, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना बहुत भयंकर स्थिति में चल रहा है। तो सभी बच्चे घर पे रहे, सेफ रहे और सुरक्षित रहे, जितना हो सके जितना घर पर ही रहे, और जरूरतमंद चीजों को लेने पर ही आप घर से बाहर जाए। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन, बहुत जबरदस्त सेशन है, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41 की, कितने भाई क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। क्या समान त्रिज्या वाले एक गोला और एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो, अपन आपको पता है 10th क्लास की मैथमेटिक्स, तो एक गोला तो ये हो गया भाई, इस प्रकार से ये पूरा गोला हो गया, और ये हो गया एक अर्धगोला। तो गोला और अर्धगोला, मैं इनका नाम लेता हूं, ये गोला हो गया अर्धगोला। तो इनका भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको होता है 4πr² अनुपात। इसका क्या होता है भाई 3πr², तो अपन को चाहिए क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो भाई क्या करेंगे, 4/3πr² / 3πr² पाई से पाई गया, r² से r² गया, क्या बचा अपने 4:3 अपना क्या हुआ, इसमें रेशो आ गया। और इसी रेशो की अपन को बात करिए, और ऑप्शन नंबर अपना डी इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। इस प्रकार से भाई अपन को गोला और अर्धगोला दोनों की क्या भी त्रिज्या समान दे रखी, इसलिए अपन एक एक त्रिज्या बराबर तो वो ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी विद्यार्थी कर पाएंगे। ऑप्शन टाइम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है बच्चों, यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को 48π² दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई बताइए। देखो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना देगा, 48π दे रखा है। और मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अर्धगोले का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्या बताया मैंने 3πr² बराबर अपन को दे रखा कितना 48πr² भाई इक्वल दे रखा है। अब क्या किया मैंने, पाई से पाई गया, और अपन को पूछा क्या आर पूछा, तो यहां से मैं आर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 48/3 और ये प्लेस में 100 आ गया। फिर मैंने इसमें भाग दिया भाई, तो कितनी बार जाएगा, एक बार गया, फिर ये हो गया कितना 18, और इसमें गया भाई कितनी बार 6 बार 6 18 16 आ गया, 100 है भाई। अपन इस 100 का टाइम तो 16 इस पर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया अपने पास में 4, और करेक्ट कौन सा आंसर हो रहा है, ये भाई
किसने मिला अपन को? अच्छा 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 लंबाई त्रिज्या की लंबाई पूछी भाई इसमें, तो अपना त्रिज्या की लंबाई पूछी तो अपना आंसर आ गया 16 और ऑप्शन नंबर इसमें बी अपना करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। इस प्रकार से अपन को ये 4200 क्वेश्चन को अपन ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 43 की चर्चा करते, बहुत अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, एक घन मीटर में कितना लीटर होता है? एक घन मीटर में कितना लीटर होता है यह अपन से पूछा है। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, कितना होता है? 1000 लीटर। और एक मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। इस प्रकार से अपन को इस क्वेश्चन में पूछा भाई कि एक घन लीटर मीटर में कितना लीटर होता है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला 1000 लीटर, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है, ये एस्टर फैक्टर भाई, एक मीटर में कितना मीटर होता है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से प्रमुख करना। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एक बेलन की ऊंचाई 3 सेमी है, अपन को बेलन दे रखा है इस प्रकार से, ये बेलन होकर मैंने बना दिया आपको बेलन, जबरदस्त। और प्रत्येक क्वेश्चन को डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन आप बने रहिए वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्त, इसकी लंबाई अपन को दे रही कितनी 3 सेमी, तुम्हें वो क्या बोलूं, हाइट बराबर 3 सेमी, 3 सेमी। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन देगा 66, बेलन का वक्र पृष्ठ 66 सेमी दे रखा, तो अपन पूछ भी क्या त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन को बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो अपन को याद करना। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अपन को दे रखा भाई, अपन को पूछा है आर, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ 2πRh होता है, बराबर अपन को 66 दे रखा है, जो अपन को चीज पास में है जैसे कि एच है, 2π का मान अपन 22/7 लिखा, आर अपन को चाहिए, एच अपन को 3 दे रखा है, और ये 66 हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं मुझे उम्मीद है। मैंने क्या किया, 11 का दिया तो 2 बार और 11 का दिया तो 6 बार, 11 6 3 का दिया तो 2 बार और 2 का दिया तो ये 2 बार, तो मेरे क्या समझ में आया यहां से, ये कितना तो आर बराबर क्या आ गया यहां से, ये 7 इधर चल जाएगा 2 नीचे, तो यहां बचेगा 2R और बराबर 7, तो R बराबर क्या आ जाएगा 7/2, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको 3.5 सेमी, इज करेक्ट आंसर कौन, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अपनी त्रिज्या क्या पूछे, अपन को त्रिज्या पूछे और त्रिज्या की दुनिया 3.5 सेमी त्रिज्या आई, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 की, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 45 मान था, नंबर 46 की चर्चा करते, यदि 5, 7, 9 और x का समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है, समांतर श्रेणी
समांतर मध्य रेखा कितना देखा है, 9 देखा, और अपन को पूछा है x का मान, इस प्रकार से अपन को निकालना है। तो मैंने बताया 17वीं प्रश्न वाली में 17.1 में ये आप सभी विद्यार्थियों को बताया कि इस प्रकार का हो तो x का मान कैसे निकालते अपन। देखो भाई, जो समांतर मध्य होता है बराबर क्या होता है, मैंने बताया कि समांतर मध्य को अपन औसत भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते एवरेज कह सकते हैं। तो देखो भाई, टोटल सिंह क्या होगा योग, मतलब कह सकते हैं कुल सिंह क्या होगा योग, सिंह क्या होगा योग बटे कुल सिंह क्या। तो देखो भाई, यहां पर वो कितना देर का है समांतर मध्य, 9 देर का, मैंने 9 इस एक्स से उतारा, टोटल सिंह क्या होगा योग, 5x प्लस 7x प्लस 9x प्लस x, कितनी सिंह होगी, 1 2 3 4 4 लिखा है। कोई किसी को दिक्कत, यहां तक मुझे उम्मीद है किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, जमाया सूत्र मात्र है। तो मैंने 9 लिखा, 9 बराबर क्या हो गया 7 5 12, और 12 और 9 कितने होते भाई 21, 21 प्लस x बटे 4। तो क्या किया, इसको अपन ने गुणा किया इधर, तो यहाँ क्या आ गया 9 4 36, 36 बराबर 21 प्लस x। अब मुझे x का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 36 में से 21 को घटा दूंगा भाई, ये प्लस का दे जाएगा माइनस का, तो ये होगी माइनस का। तो x का मान क्या आया मेरे पास में, ये बस यहां पे ऐसे किया 5 और 1, एक्स बराबर वैल्यू आके अपने पास में 15। ऑप्शन नंबर बी में ये मिल रहा है अपन को, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से करना आपको, अपन को दे रखा है समांतर मध्य दे रखा है, माना कि अपन समांतर मध्य नहीं दे रखा होता तो फिर भी अपन इसको करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये नहीं दे रखा तो फिर तो और भी सुविधा रहती जो मैंने आपको बता ही रखी है। इस प्रकार से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो 9 6 36 आ गया, फिर जोड़ा 21 हो गया, 21 में से 36 में से 21 घटाया 15 15 x, तो x का मान 15 आ गया, जहाँ अपन को याद दी गया 15 वहां अपन 15 लिख सकते x के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अब बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 47, 1 2 1 2 6 8 16 21 का मध्य बताइए, मध्यक क्या होगा। इस प्रकार से अपन के पूछा मध्यक क्या होता है, पहली बात मध्यक स्पष्ट नाम से ला रहा है बीच वाली संख्या, भाई मध्यक मतलब बीच वाली संख्या, जिनमें भाई मैंने बताया आपको अवरोही और आरोही क्रम में, अवरोही और आरोही चंडर और तन्ना, तो भाई ये तो देख एक ही क्रमांक में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे, मतलब ये क्या चढ़ने का काम करिए संख्या बढ़ते क्रम में, तो इनको मध्य निकालना, अपन कैसे निकालेंगे भाई, 2 इधर से छोड़ा और 2 इधर से छोड़ा तो बीच वाली संख्या आई, तो 6 और 8 को जोड़ा और इसमें 2 का भाग दिया, मध्य अपन n से प्रदर्शित करते हैं, तो ये अब क्या हो गया 14, और 14 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया भाई 7, 7 इसका करेक्ट आंसर, जो मध्य हो रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, 7 किस में रहा है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना, मुझे उम्मीद है कि सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, इन क्वेश्चनों में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, मतलब समझो फ्री के नंबर ला सकते हैं, आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये प्रेम बात। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने एक सीरीज बनाई, वो सीट बनाई है, उस सीट का पूरे का मैं YouTube पर सॉल्यूशन करवा दूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए मित्रों,
आप मेरे साथ है तो मैं एनर्जी से फुल हो जाऊंगा, जब आप मेरे साथ नहीं होते तो मुझे एनर्जी डैमेज होने लगती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। ए बी और सी तीनों का क्रमांक प्रातांक क्रम से 100, ए बी और सी वाई कोई विद्यार्थी, ए वाले विद्यार्थी का आ रहा है 100 नंबर, इसके आ रहे 200 नंबर और इसके आ रहे 300 नंबर, तो उनके प्राप्तांकों को समांतर मध्य निकालना। समांतर मध्य कैसे निकालते, सभी जानते हैं मुझे पानी कोई। देखो भाई समांतर मध्य बराबर कुल संख्या होगा योग, बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग कितना भाई 100 प्लस 200 प्लस 300, टोटल संख्या कितनी होगी 1 2 3। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 300 500 600 इसमें अपन ने 300 का भाग दिया, मैंने काटा 3 6 2 वर्ग, कितना आया भाई इसका एवरेज आया तो 200 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर किसे मिल रहा भाई, ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर मिल रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का, और 200 अपना आंसर आ रहा जो बीच का। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, कि ये बारंबारता है, बारंबारता बटन का मध्य सूत्र निकालना पड़ेगा। ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, मध्य जो अपन एम से दर्शाते हैं, एल प्लस एल माइनस सी होता है पूरे पर, और ये भाई क्या एफ लग जाता गुणा एच। अब अपन को एल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है और एन बराबर क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमें पता लगना चाहिए। तो एफ बराबर तो क्या बारंबार था, एच बराबर हो गया अंतराल, एल बराबर हो गया निम्न सीमा, किसकी बारंबारता की, और एल बराबर हो गया भाई क्या जो अपन निकालते हैं भाई सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं टोटल जो, तो इसको ही सिग्मा एफ कह सकते हैं। इस प्रकार से इनको अपन अच्छी तरह से, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र भाई, ये एग्जाम के आम को बहुत अच्छे, इससे भाई क्वेश्चन मित्रों बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आपको 8-10 नंबर आ सकते हैं इस सूत्र में, जो मैंने करा भी चुका हूँ और क्वेश्चन भी बहुत करवाए और आगे करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 यदि निम्न वेंटन का समांतर मध्य 5 है तो पी का मान क्या है, अपन को एक सारणी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, एक्स बराबर मतलब 2 4 6 और पी दे रखा, और अपन को एफ बराबर दे रखा है 3 2 1 और ये 4। चल इसको मैं दूसरी तरीका से बना, ये x का और ये f का मान लिया,
दो चार छः और ये पी दे रखा, तीन दो एक और चार, तो इसमें अपन को पूछा बच्चों पी का मान, पी जो ये पी लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या आने वाला है ये अपन को पूछा। तो अपन का शेड्यूल क्या है जो मैंने बताया कि भाई एफ एक्स को गुणा करना है, एफ गुणा एक्स करना है, और यहाँ पे क्या भाई सिग्मा एफ की मान तो कितना, तीन और दो पाँच, पाँच एक छः, छः और चार दस, तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया पर पाँच दस आ गया। तो मैंने ये गुणा किया, दो गुणा तीन किया तो कितना आ गया छः आ गया, चार गुणा दो किया कितना आ गया आठ आ गया, छः गुणा एक किया तो बच्चों कितना आ गया छः आ गया, पी गुणा चार किया तो कितना आ गया फोर पी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिग्मा एफ एक्स का मान लिखेंगे, आठ और चौदह, चौदह और छः दिन थे बीस, बीस प्लस चार पी। अब अपन क्या करेंगे, जो अपन को समांतर मध्य दे रखा पांच, तो आप सभी जानते हो समांतर मध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अब एक्स के जो समांतर मध्य ये अपन दे रखा कितना भाई, मैं यहां ले देता हूं भाई, समांतर मध्य देगा अपन को वो दे रखा अपन को पांच, तो मैंने यहां पे पांच लिखा बुरा हुआ। सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास, बीस प्लस चार पी बटे दस, इस प्रकार से आता। तो मैं बच्चों इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, अब दिमाग में आ होगा पहले क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर करीब करीब बयालीस तैतालीस में करवाया था, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि अब इसको इधर से गुणा करना भाई, तो मैंने इसको इसे मल्टीप्लाई किया कितना आया भाई पचास आया, बीस प्लस चार पी। अब मुझे भाई पी का मान चाहिए तो मैं यहाँ पे चार पी इधर किया और फिर क्या करूँ मैं, पचास में से बीस गया तो कितना बचा चार पी बराबर बचा कितना तीस बचा, पी का मान चाहिए अपन को तीस में अपन कितने मार देंगे सात, चार का मार देंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा सात, चार का भाग दिया तो सात दून चौदह मतलब कि सात बार जा रहा है, सात चौक अट्ठाईस बार, सात बार गया भाई बचा दो, फोन लगाया फिर पांच फिर, तो अपना आंसर क्या है भाई ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, अपना आंसर आ गया सात पॉइंट पांच, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के आ जाएगा, ऑप्शन टाइम में भी आ जाएगा, पैसे भी आ जाएगा, किसी भी प्रकार से लेकर आंसर एग्जाम के अंदर आएगा, ये 100% मानो ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 50 अपन ने किया, सिग्मा अपन को एफ का मान दे रखा, ये एक्स का मान दे रखा अपन निकाला, सिग्मा एफ का मान निकाला 10, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद छह गुणा चार के दस आ गया, मतलब इस प्रकार से गुणा करने के बाद अपना सिग्मा एफ एक्स मान इतना आ गया, और सिग्मा एफ एक्स मान अपन जानते हैं कि समांतर मध्य क्या होता है, टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या होता है, तो टोटल संख्या का योग कितना आ गया ये आ गया, और टोटल संख्या कितनी 10, अपन ने मल्टीप्लाई किया इसको इससे गुणा किया तो 50 आ गया, फिर 50 में 30 गया तो भाई कितना बचा 30 बचा, 30 चार का भाग दिया 7.5 अपना करेक्ट आंसर। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों की अच्छी तरह से समझ में आया, और ये सेशन आज हम यहाँ पे समाप्त करते, अगला सेशन हम कल वही दोपहर 12 बजे प्रतिदिन की भांति कल फिर लेके आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी के ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जितने भी विद्यार्थी देखते हैं मुझे उम्मीद है कि उनके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम के अंदर, और प्रेजेंट टाइम में कोरोना का बहुत बहुत खतरनाक लहर चल रही है, तो सभी विद्यार्थी से उम्मीद है कि अपने घर पर रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे,